क्या किया तूने? आपका ड्रेस धो दिया। तूने ड्रेस नहीं धोया, तूने 2500 धो दिए। 2500? आप ही ने तो कहा था कि ये ड्रेस आप पहन के जाओगे और इसको ठीक कर दूं मैं, तो मैंने इसको धो दिया। ए डोबी, सादी फेल नॉनसेंस। ठीक करने से मेरा मतलब था इस्त्री करने का है, धोने का नहीं। अभी आप ठीक से नहीं बोलोगे तो इसमें मेरी गलती है क्या? ए लो, ये भी मेरी गलती है। वैसे गलती से याद आया, ट्रिगर कहाँ है? हाँ, ट्रिगर तो आप ही क्या करती है ना, फिर उस दिन लाना भूल गए थे। कहाँ होगा? अपने रूम में होगा ना। ये जिस भी रूम में होता है तुम उसको उसका अपना रूम बना देते। उस दिन वो किचन में था, तुम कह रही थी कि वो अपने रूम में। वो किचन उसका रूम है क्या? टीवी वाले रूम में है। तो ऐसे कहो ना। बड़े हरामी हो बेटे। नहीं पापा, वो मैं एक्चुअली चैनल चेंज कर रहा था, तो ये मतलब कि यूट्यूब देख रहा था तो गलती से क्लिक हो गया पापा। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं किया पापा। परसों मेरी एक दोस्त की बेटी की शादी है, तो तू अपना ड्रेस वगैरह ठीक कर लेना। मुझे नहीं जाना आपकी दोस्त की बेटी की शादी में। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता। अगर हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा, तो ना आए ना। और वैसे भी आपकी शादी तो हो चुकी है ना, कोई दूसरा का प्लान? फालतू की बातें मत कर, जो बोला है वो चुपचाप कर। क्या हो गया, दोनों बाप बेटे क्यों झगड़ रहे हो? तुम ही समझाओ यार, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि मेरी दोस्त की बेटी की शादी में नहीं जाएगा ये। सही तो कह रहा हूँ। एक तो वैसे भी वहाँ सब आपकी उम्र के हैं, और शादी के अगले दिन मेरा टेस्ट भी है, तो तू उनकी बेटी से दोस्ती कर लियो। हाँ की है मैंने ये डायलॉग बबलू जी से कॉपी। तो क्या हुआ? जिंदगी सवार तू एक नहीं भूसरे वाला। हाय अंकल। नमस्ते आंटी। हेलो बेटा। नमस्ते बेटा। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है। तो ठीक है ना, उनकी बड़ी बेटी को तू अपना दीदी दोस्त बना लेना, उनकी छोटी बहन जो कि लगभग तेरे उम्र की है उनको छोटी दोस्त बना लेना। दोनों अलग अलग है क्या? हाँ बेटा, मेरी दोस्त की दो बेटी है, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। लेकिन अंकल दोनों तो सेम ही है ना, बड़ा या छोटा से थोड़ी ना चीज बदल जाता है। क्या मतलब? अच्छा, आपने उनके छोटी बेटी का नाम क्या बोला था? उनके छोटी बेटी का नाम स्नेहा ट्रिगर्ड। जल्दी अपना फ़ोन देना, वो मैंने अपना FB अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। ए हे रानी, जरा तरफ ही ऐसी है ना। और तू बता क्या हालचाल है? हेलो सर, ये रिंगटोन कब और कैसे बदल गया? टेस्ट कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सबको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। कौन सा टेस्ट? तो उस दिन नहीं गया था रे शायद से। सर ने उसी दिन कहा था कि वो टेस्ट लेंगे। मेरा तो इस हफ्ते फुल अटेंडेंस है, मैं तो सब दिन गया था। गया था भाई तू गया था, लेकिन सर ने जब कहा कि सर टेस्ट लेंगे उस टाइम में, जहाँ तक मुझे लग रहा है या फिर शायद से तू टॉयलेट में था। मैं टॉयलेट गया था उस दिन। प्रिंसिपल सर ने जब कहा था कि हर बार टॉयलेट जाने पर 10 रुपये करके मिलेगा, असेंबली में कहा था सर ने, तूने सुना? नहीं तो, ऐसा कब कहा? अभी तो बोला कि असेंबली में सर ने कहा था। देख तेरा मन कहाँ रहता है यार, तू कुछ भी ठीक से नहीं सुनता, और अगर सुनता भी है तो भूल जाता है। इसलिए शायद सर ने उस दिन जब कहा था कि सर टेस्ट लेंगे, तूने सुना ही नहीं, और अगर सुना भी होगा तो तू भूल गया होगा शायद। अगर हर बार के 10 रुपये मिलने लगे तो पैसा ही पैसा होगा।